हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं डार्क लाइट गेमिंग वाई टी। और वापस से आ चुका हूं मैं एक और नए गेम प्ले के साथ। सॉरी यार, बहुत समय के बाद आ रहा हूं गेम प्ले लेके वॉइस ओवर के साथ में। बीच में एक वीडियो डाली लेकिन अब मैं क्या बताऊं क्या हुआ है मेरे साथ। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, सच ये है। और बहुत अच्छा फ़ोन लेने के अभी इतने पैसे हैं नहीं मेरे पास कि अच्छे खासे पैसे ले लूं। तुम लोग क्योंकि करवाते नहीं यार मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स। हाँ, तो एक और फ़ोन था ये वाला, ये 5G है। लेकिन क्या बताऊँ, 5G इतना अच्छा कुछ खास है नहीं मेरे इलाके में नेटवर्क, और इस वजह से बहुत सारे टेक्निकल डिफीट्स वगैरह मेरे को मिल जाते हैं। तो 5G मैं कोशिश करता हूँ कि ना ही यूज़ करूँ, लेकिन यूज़ कर रहा हूँ और बहुत सारे टेक्निकल डिफीट्स अभी तक मेरे को मिल चुके हैं। आज मैं रिट्रीव गेमिंग के साथ खेल रहा था और उस टाइम पर भी मेरे को टेक्निकल डिफीट मिल गए थे। इवन दो मैंने उसका एक कैरेक्टर और एक लिंक्स का आधा उसकी जान ले ली थी, मतलब मेरा भी एक कैरेक्टर चला गया था, हार गया था, दूसरा कैरेक्टर मेरा भी था, लेकिन हो गया। आप क्या कर सकते हैं, सह लेंगे थोड़ा थोड़ा। और ये जो प्लेयर है भाई आपके सामने, ये तो देख ही सकते हो किस तरह का मिडनाइट से खेल रहा है, वन अटैक स्पैमिंग कर रहा है, प्योर स्पैमर है ये। लेकिन हो गया, सह लेंगे इसको भी थोड़ा थोड़ा। वैसे तुम लोगों का ये नया साल कैसा जा रहा है, मेरा तो देख ही सकते हो कैसा गया है। शुरुआत ही ऐसी हुई है, अब आगे देखते हैं कैसा रहेगा। हाँ खैर, अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स तुम लोग करवा देते हो तो मेरे को अच्छा लगेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। करवा देना, हाँ बार बार बोल रहा हूँ। और तुम लोगों को यार, मैं 2-3 दिन के गेम प्ले नहीं डाला, तुमने मेरे को अनसब्सक्राइब करना चालू कर दिया भाई। 509 सब्सक्राइबर्स हो गए, कहाँ 514 515 हो गए थे। हाँ तो तुम सभी जो अनसब्सक्राइब किए हो भाई, जल्दी से आ जाओ। और हाँ, मेरे को 2 महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं। मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर मेरी इंग्लिश, हाँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर रहूँ जितना ज़्यादा हो सकूँ। और उसके साथ मेरे को 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दो इन 3 महीनों के अंदर। अगर करवा सकते हो तो मैं थैंक यू अभी से बोल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सही में इतने अच्छे कंटेंट डालूँ कि आप लोग बोर ना हो, ओके। हाँ तो अब बात कर लेते हैं अपन लोग थोड़ा सा गेम प्ले की तरफ। और यहाँ पे जियांगसू अपनी बॉडी दिखा रहा है मेरे बुलवॉक को पेलने के बाद, लेकिन बुलवॉक ने जाते जाते उसको 7 फ्रैक्चर्स दे दिए। मेरे बुलवॉक ने आज दोनों के दोनों गेम प्ले में, जो मैं आज अपलोड किया हूँ इसी वीडियो के अंदर, वो उन दोनों में ही इतना अच्छा खेला है कि क्या बताऊँ। मेरे को लगता है कि मेरे को बुलवॉक इस सीज़न में पूरा यूज़ करना चाहिए, तो मैं टॉप 100 के अंदर तो फिर से इस बार एक और बार मतलब ख़त्म कर ही सकता हूँ। इस बार क्या पता टॉप 50 में भी ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मैंने पिछला सीज़न एकदम आधे से शुरू किया था, शुरुआत से मैंने शुरू नहीं किया था। और पिछली बार भी मैं इतना ज़्यादा रेगुलर रह नहीं पाया था, और इस बार मैं हूँ तो क्या पता कुछ हो जाए चमत्कार। आज पता है MP में जगह जगह पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, आज इतना ज़्यादा नेटवर्क इशू था ना इस फ़ोन के साथ, इस गेम के साथ, मैं पागल हो गया भाई। इतने सारे पॉइंट्स आज मेरे चले गए हैं, टेक्निकल डिफीट। इवन मैं तीन टूर्नामेंट के फाइनल हारा हूँ आज मैं। और गेम का भी इसमें लगता है थोड़ा बहुत रोल है, एक तो फ्रीजिंग वाला जो भी उसका वो रहता है वो मेरे ऊपर ही साला मारता है बार बार। लगता है कि मैं क्या कर दूँ, लेकिन सह लेंगे इसको भी। हर एक चीज़ सही रहा हूँ इस टाइम पे, साल तो सच में बता रहा हूँ, इमोशंस बाहर नहीं आने चाहिए बहुत बार, है ना, गलत हो जाता है। वैसे तुम लोग की अभी क्या क्या रैंकिंग चल रही है, मतलब शैडो फाइट अरीना में, मेरे को ये बताओ यार कि मैं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन टॉप पे चल रहा है, किन की अभी रैंकिंग सबसे ज़्यादा चल रही है, मैं भी देखना चाहता हूँ भाई। उनको भी एक ना एक दिन तो मैं सरपास कर ही दूंगा, अभी तो मैं टॉप 1% में हूँ। मैंने क्योंकि खेला ही नहीं 4-5 दिन से, मेरे पास फ़ोन ही नहीं था, मैंने जैसा कि तुमको बताया, आज मैं खेल रहा हूँ और आज ही की ये लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड किया हूँ। और मैंने उसको पेल दिया बहुत गंदे तरीके से भाई, स्पैमर था थोड़ा सा। अगर वीडियो देख रहे हो हीरो तो फिर अपने मिडनाइट का गेम प्ले सुधार लो, बाकी बहुत अच्छा खेला उसने। चलिए, हमारा आज का दूसरा प्लेयर है, इसका नाम है वॉरलॉक्स दीपक सामी। पता है इस फ़ोन का जो प्रोसेसर है ना, इसका फ़ोन का प्रोसेसर पिछले वाले से ज़्यादा तगड़ा है, बस यहाँ पे 5G की दिक्कत है और 4G उसमें अच्छे, मतलब 4G उसमें क्या, इसमें अच्छे से चलता नहीं है। अब ये क्या दिक्कत है मेरे को समझ नहीं आया फ़ोन के साथ, जो है यही है बस। लेकिन इसका प्रोसेसर बड़ा तगड़ा है, मस्त चल रहा है, एक भी फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह कुछ नहीं अभी तक मेरे को मिले फ्रेम ड्रॉप्स। अब 4-5-6 GB का गेम होगा तो फ्रेम ड्रॉप्स तो मिलेंगे ही थोड़े बहुत। और यहाँ पर ये क्या है भाई, मतलब रिकवर होने का मौका ही नहीं देता, सीधे सीधे जैसे ही पुश किया उसने वैसे उसका शेडो भी लग गया मेरे ऊपर। ये तो ऐसे वालों गद्दारी है मेरे साथ, देखे रहिए थोड़ा सा, ठीक है। मिल ना जाना कभी अंधेरे को, होने में पेल दूंगा बहुत गंदा। हाँ तो यहाँ पे मेरे को एक फ्री का ग्रैब मिला इजी, और उसके यहाँ पे केट ख़त्म हो चुका है। मैंने बताया ना, ये जो गेम प्ले है ना आज के दोनों, इसमें मेरे बुलवॉक ने एकदम आग सी लगाई हुई है।
अभी भी वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन कैरेक्टर है। मेरे को भी याद है कि जब शैडो फाइट अरीना था तब मैं उसके गेम प्ले वीडियोस पहले भी देखा करता था, और उस टाइम पे केट सबसे ज़्यादा ब्रोकन कैरेक्टर थी। उसके पास ब्लॉक ब्रेकर, ओके हाँ उसके पास ब्लॉक ब्रेकर था, और भाई क्या गंदा मारती थी वो उस टाइम पे, लोगों के पसीने छूट जाते उसके साथ खेलने में। फिर बाद में आया हमारा सार्जे जो कि बहुत ज़्यादा ओपी था। फिर बुलवॉक को एक बफ मिला और उसके साथ ये बुलवॉक बहुत ख़तरनाक हो गया। और फिर अभी तो चल रही है हमारी प्यारी सी यूनलिन जो कि बहुत ज़्यादा कमीनी है। डेवलपर्स भी लगता कुछ फूक के उसको बनाए थे, क्या गंदा कैरेक्टर बनाया भाई उन लोगों ने। पता है मेरा मूड तो एकदम फ्रेश है अभी के टाइम पे, लेकिन हाँ मेरी आवाज़ थोड़ी सी हैवी हो सकती है, जुखाम के थोड़े से लक्षण दिख रहे हैं। और यहाँ पर उसका आयरन क्लैड ख़त्म हो गया, मेरे पास केवल 143 एचपी बची हुई थी, और अभी उसका फाइनल कैरेक्टर, उसकी फाइनल कैरेक्टर यूनलिन आ गई है भाई, नोटिस करो नोटिस करो। और यहाँ पर क्या मैं उसको हरा सकता हूँ, वॉरलॉक्स दीपक। वॉरलॉक्स तो ग्रुप ख़त्म हो गया ना मेरे हिसाब से, मुझे पता नहीं है इसके बारे में वॉरलॉक्स अभी भी है कि नहीं है। और एक तो और मैं शायद क्लैन देख रहा हूँ इस टाइम पे SOT करके, ये पुराना क्लैन है कि नया क्लैन है मेरे को पता नहीं था। आज ही एक प्लेयर से मैं मिला और बहुत गंदा मारा उसने मेरे को, उसके मतलब लेवल 11 का उसके पास ईतू था, नहीं सॉरी उसके पास जो है ना 11-10 का ईतू था, और वो डोजो 11 का था, और मैं डोजो 13 का था, और मेरे पास था क्या 11-10 का जियांगसू। उसके पास भी एक टैलेंट आखिरी का नहीं था, मेरे पास भी नहीं था जियांगसू का। हाँ ये ज़रूर सच है कि मैं जियांगसू के साथ बिल्कुल भी नहीं खेला था, मतलब बहुत कम खेला शुरुआत, अभी जब कुछ टाइम पहले जो है मैं खेलने की शुरुआत ही कर तभी फ़ोन ख़राब हो गया है, तो मैं खेल ही नहीं पाया उसके साथ जियांगसू के साथ। आज खेल रहा था और इस फ़ोन के साथ दिक्कत ये है कि बहुत बड़ा फ़ोन है, हाथ में फील करता है कि भाई कुछ बड़ी चीज़ लिया हुआ हूँ मैं, तो दिक्कत होती है थोड़ा बहुत इस फ़ोन को यूज़ करने में, क्योंकि पहला वाला फ़ोन इतना हैवी नहीं था जितना ये वाला हैवी है। खैर कोई बात नहीं, और उसने मेरे को 2-2 बार हराया, बड़ा प्यार से हराया उसने मेरे को, और अच्छा प्लेयर था, बहुत मज़ा आया उसके साथ खेल के। मेरे पास वो गेम प्ले नहीं है क्योंकि 11-10 का था, मैं सोचा कि क्या ही खेलेगा तो अभी, और मेरा भी वैसे जियांगसू के साथ कोई स्किल्स है ही नहीं, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था कोई भी गेम प्ले उसके साथ, तो निपट गया मैं। देखो पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि डोजो 11 के बंदे ने हराया जिसके पास 11-10 का ईतू था। देखो यहाँ पे मैं कोई भी अपने साथ बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो अब यहाँ से तो मैं जीत ही जाऊँगा, तुम लोगों को दिख ही रहा होगा कि यहाँ से हारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, तो बस तुम लोग से एक दो रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि 3 महीने या 2 महीने के अंदर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं, इसलिए जल्दी जल्दी मेरे को सब्सक्राइब कर दूँ। और हाँ इस प्लेयर को समझा देना कि जो मेरे वेल प्लेट का रिप्लाई नहीं करता ना उसके साथ मैं रीमैच नहीं करता, ओके। हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, और बाय बाय, गुड नाइट।